स्वागत है दोस्तों आपका एक और नए वीडियो में। आज हम जा रहे हैं दिब्रु सिकवा नेशनल पार्क। ये सामने आप देख सकते हो, ये पूरा एक आइलैंड है और इसी के अंदर है नेशनल पार्क। ये है दिब्रु नदी, इसके जस्ट बगल में है ब्रह्मपुत्र नदी, तो बीचों बीच में है कि ये आइलैंड है और इस नेशनल पार्क है, तो इसी को चल रहे हैं घूमने भाई। ये पार्क जो है तिनसुकिया आसाम में है। तिनसुकिया से लगभग 12 किलोमीटर थोड़ा अंदर आएंगे, गुज्जर नाम का एक गाँव है, गाँव के जस्ट बगल में ये नदी है और नदी के उस पार नेशनल पार्क है। तो पूरा चलेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और इस बोट से हम जा रहे हैं, बस बोट निकलने वाली है, चलते हैं अंदर फिर आपको दिखाते हैं। इस नेशनल पार्क का मतलब भाई एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग लेवल का होगा, क्योंकि ये आइलैंड के बीच में है। ऐसे भाई नेशनल पार्क जो होते हैं वो ज़्यादातर ऐसे नॉर्मल जगहों पर होते हैं। इसका एक्सपीरियंस बताते हैं बरसात के टाइम में, मानसून के टाइम पर अलग लेवल का होगा, क्योंकि वहाँ पे बारिश में पानियाँ भर जाती हैं अंदर में, तो जानवर जो है ऊपर पहाड़ के ऊपर, मतलब जहाँ जहाँ ऊँचाई वाली जगह होते हैं वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं और अंदर में बोट भी जाती है। तो जहाँ जहाँ पानी भरा रहता है वहाँ से बोट से ऐसे नॉर्मल नेशनल पार्क, आप काजीरंगा वगैरह जहाँ जाते हैं वहाँ पर आपको सफारी से या गाड़ी से, कोई भी गाड़ी से आप एक्सप्लोर करते हैं, ये बोट से भी एक्सप्लोर हो जाता। अभी तो मानसून का टाइम नहीं है तो हम पैदल ही एक्सप्लोर करेंगे गाइड के साथ में, नहीं तो अगर आप मानसून में आते हैं ना तो भाई आप बोट से जो है पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो उसका एक्सपीरियंस अलग लेवल का होता है। तो भाई एक बार ये नेशनल पार्क विजिट ज़रूर करिएगा। अभी आपको हम वीडियो में दिखाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि कितना अच्छा नेशनल पार्क है ये। हमारी नाव भी चल पड़ी है भाई साहब, मस्त स्पीड में चल रही है अभी। अभी तो बैक साइड कर रहे हैं भैया, इस साइड में जा रही है बैक में, मस्त लग रहा है, पर इंजॉय कर रहे हैं, इंजॉय। ये है भाई नाव का फ्रंट साइड और यहाँ पर लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, मस्त व्यू है, शानदार। ये सामने जो आप देख रहे हो ये गुज्जर टाउन का जो है घाट है, लोग टाउन में आते हैं तो यही इसी घाट पे आते हैं और यहीं से पूरे भाई नदी का सैर करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी नाव आपको दिख रही होगी, यहीं से लोग हायर करते हैं और पूरा नाव जो है पूरा नदी घूमते हैं, और यहीं से भी आप नेशनल पार्क का भी यहीं पे बाहर में काउंटर होता है, वहीं से परमिशन वगैरह सब कुछ लेना पड़ता है आपको। वहाँ पे ऑफिस मिल जाएगी, वहाँ से सब कुछ आप बुक कर सकते हैं, आपको नेशनल पार्क जाना है या फिर सिर्फ आपको इस नदी में घूमना है, एक राउंड लगाना है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहीं पर इस घाट के जिस बगल में ही बहुत सारी ऑफिस आपको देखने को मिल जाएगी। पहुँच गई भाई हमारी बोट जो है आइलैंड पे। एक बोट देखो पहले से यहाँ पे खड़ी हुई, साइड में मेरी बोट लगेगी, उसके बाद उतरते हैं। वेलकम टू आइलैंड भाई, विश्वास नहीं हो रहा कि आइलैंड पे हूँ। अब यहाँ से हमें जो है लगभग जो है 4 किलोमीटर भैया बता रहे हैं हमें पैदल चल के नेशनल पार्क में जाना पड़ेगा, और 4 किलोमीटर भाई हमें चलना पड़ेगा रेत में। आपको ऊपर दिखाता हूँ रेत, एक मिनट, देख रहे हो ना भाई, ये है दूर दूर तक आपको मतलब रेत दिखेगी, रेत के बाद फिर वो जंगल है, उसी में है नेशनल पार्क। तो 4 किलोमीटर अभी पैदल चलेंगे, क्या कर सकते हैं। और ये है हमारी बोट, इसी बोट से आए हैं, तो चलते हैं एक्सप्लोर करते हैं भाई नेशनल पार्क। रेस से बाहर आ गया भाई, जंगल में मतलब लगभग पहुंच ही गए हैं। सामने है जंगल और यहाँ पे कुछ घर भी हैं, पर यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, इसलिए कम लोग रहते हैं क्योंकि जब बारिश आती है तो भाई ये घर वगैरह मतलब पानी भर जाता है, इसलिए रहते हैं कुछ लोग रहते हैं, ज़्यादा लोग नहीं रहते जो यहाँ पे टूरिस्ट गाइड वगैरह हैं। और पहले कहते थे यहाँ पे गांव बहुत बड़ा गांव होता था, फिलहाल अभी बस कुछ घर आपको दिख रहे होंगे। तो अंदर में अभी यहाँ पे टूरिस्ट गाइड भी मिल गए हैं, यहाँ टूरिस्ट गाइड यहीं मिले हैं, नाव पे नहीं थे, यहाँ पे आए हैं। अब यहाँ से हमें ले चल के अंदर में पूरा घुमाएंगे। भैया जी बता रहे हैं ये जितने घर हैं भाई, हर साल यहाँ पे मतलब पानी भर जाता है जब बारिश का मौसम आता है, और हर साल ये घर जो है बनाना पड़ता है, क्योंकि बारिश आ जाएगा तो सब कुछ घर तो चला जाएगा ना बहकर। और चल रहे हैं अभी भी हमें भाई 3.5 किलोमीटर इसमें पैदल चलना है, इस टाइम में रास्तों में। सामने देख सकते हो भाई एक ये भैंसा है, जंगली भैंसा है भाई, बहुत खतरनाक ये होते हैं, ज़्यादा तेज नहीं बोल रहे हैं क्योंकि भाग सकता है, गाइड साहब ने कहा है। ये जो आपको हमने दिखाया ये भाई आम भैंसा नहीं था, ये जंगली भैंसा था, इसका कम से कम 2 फीट प्लस भाई इसका एक सींग था, तो समझ लो कितने एक हाथ से बड़े बड़े भाई सींग थे, बहुत खतरनाक होते हैं, जंगली है ना जंगली। देख रहे हो भाई ऐसे जंगलों में ऐसे मतलब दोनों साइड में बिल्कुल पतला रास्ता है, इसमें से हम चल रहे हैं। अभी हम रास्ते में जा रहे थे तो हमें अंजीर की पेड़ दिखी, ये हमने एक तोड़ा भी है, और देख सकते हो आप कितने सारे लगे हुए हैं ना, पहली बार मैं ज़िंदगी में भाई इसको पहली बार देख रहा हूँ, पर एकदम जैसे दिखता तो जैसे सेब जैसा है, हमें दूर से दिखा तो हम कहे सेब का पेड़ है क्या, पर सेब का नहीं था,
और बीच में ये एक नदी टाइप का है, नदी या झील बोल सकते हैं, नदी नहीं होगी क्योंकि आइलैंड में है, तो ये झील टाइप का ही बोल सकते हैं, नदी भी बोल सकते हैं, जो भी होगा। और आगे चलते हैं, हमारे साथ साथी लोग वो देखो वहाँ पहुँच गए, हम वीडियो बनाने के चक्कर में पीछे हो गए। मस्त लग रहा है ना। अभी हम एकदम अंदर आ चुके हैं और ये इतना बड़ा पेड़ है भाई, देख सकते हो कितनी दूर भर में फैला हुआ है, यहाँ से लेकर के वहाँ तक अंदर तक जितनी दूर देखो ये एक ही पेड़ है, इसके जड़ें भाई बहुत फैली हुई हैं। यहाँ पे फोटो वगैरह मस्त आएगा। ओहो ये देख रहे हो ना कितनी जड़ें फैली हुई हैं, जो ये एक ही पेड़ है। इसी रास्ते से हमें होके जाना पड़ेगा ना, ये पेड़ है जैसे आप भाई फिल्मों में नहीं देखते, फिल्मों में उसी तरीके भाई झुक झुक के जाना पड़ता, हॉलीवुड की मूवी जैसे लग रहा है उस टाइम में है। देख रहे हो ना कितना फैला हुआ है पेड़, मज़ा आ रहा है। यहाँ पे ठंडा ठंडा भी लग रहा, बहुत धूप हो रही थी भाई, एकदम गर्म हो गया था शरीर। ये देखो कितना फैला हुआ है। जो यहाँ के टूरिस्ट गाइड थे उन्होंने बोला बस हम यहीं तक जाएंगे, वहीं पे सब लोग स्टाप हो गया, वहीं उन सबका भाई पिकनिक चल रहा है, जो फैमिली वाले आए हैं सब लोग यहाँ पे पिकनिक ही मनाने आए हैं ना, तो अपना वो खाना पीना जो भी नाश्ता लाए सब कर रहे हैं। हमने कहा थोड़ा हम अंदर तक घूम के आएंगे, अकेले अकेले क्या, हम दो लोग हैं, अंदर चलते हैं दिखाते हैं आपको, तभी तो एक्सपीरियंस होगा ना थोड़ा से। क्या चीज़ उधर कोई जानवर हिल रहा है? अच्छा कोई जानवर है क्या, हमें तो नहीं दिख रहा है जानवर कोई। यही रास्ते से तो बोले हैं जाने के लिए, ये वाला बोले थे ऐसे जाके ऐसे घूम जाना, दो तीन भैया आए थे वो अभी घूम के गए तो बोले अंदर में जाओ, एक और इससे भी गजिन पेड़ है, इतना देख रहे हो ना, ये तो हाई है पर इससे भी ज़्यादा गजिन, हम तो गजिन बोलते हैं, आप लोग शायद बहुत लोग बिरर बोलते हैं, बिरर, पर हम चलते हैं आपको दिखाते हैं। वो देखो भाई वहाँ पे बंदर भाग रहे हैं ना, इसके अंदर में बहुत सारे बंदर हैं भाई, अब पर जंगल जंगली बंदर हैं, हम कैसे उनसे, वैसे तो नॉर्मल बंदर कुछ नहीं बोलते हैं पर ये सब जंगली बंदर हैं, कुछ भी हो सकता है, तो हम आगे नहीं जा रहे हैं। ये वाला जो है यही पूरा घना जो आपको हम बता रहे थे कि पूरा घना, इससे भी घना पेड़ है, ये सब है अंदर में देखो, बहुत घना पेड़ है, पर अंदर हम जाएंगे नहीं क्योंकि गाइड आया नहीं है, हमारे लिए रिक्सी हो सकता है। एक हमें पेड़ दिखा, ये बिल्कुल यूनिक सा है, इसका फल आपको दिखाएं कुछ, ये ऐसा है, हमें तो पहले लगा बेल है पर ये बेल नहीं है क्योंकि बेल के पेड़ हमने देखा, देखो इसकी पत्तियां भी अलग है, पर हम जान नहीं पा रहे क्या चीज़ है। अभी जो है हम नेशनल पार्क से वापसी निकल चुके हैं और अभी जाएंगे बोट पे, और बोट के बाद देखने जाएंगे हम डॉल्फिन, इसी नदी में डॉल्फिन होती है, किस्मत होगा तो देखने को मिल जाएगा, अगर किस्मत सही नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। और ये पूरा मतलब और भी नेशनल पार्क अंदर में है, पर भैया बता रहे हैं कि मतलब इन जो ग्रुप है ये डिब्रूगढ़ से पूरा ग्रुप आया, जो सामने आप देख रहे हो जा रहे हैं सब लोग, तो मतलब इन सबको लंच भी करना है, तो अभी एक बज गया है, दो बजे इनको लंच भी चाहिए, तो इसी हिसाब से टाइमिंग के हिसाब से इनको वापस ले जा रहे हैं, उसके बाद लंच कराएंगे, डॉल्फिन भी दिखाना है, तो इनका सबका टाइमिंग फिक्स है ना। और नेशनल पार्क अंदर काफ़ी दूर तक है, पर बोले कि इनका लोग का मतलब टाइमिंग के हिसाब से पूरा नहीं घुमा पाए, नहीं तो पूरा घूमने मिलता, आप आइएगा तो पूरा घूमिएगा अंदर तक। यहाँ पे अभी हम तोड़े पक्के पक्के बैर, ये बैर की पेड़ है और फ्री में बैर मिल गया ना, आराम से पक्के पक्के बैर तोड़ रहे हैं, खा रहे हैं, क्या करें कुछ लाए तो है नहीं हम यहाँ पे खाने वाला, तो बैर ही तोड़ तोड़ के खाएंगे। ये यहाँ पे ट्राई किए पानी नहीं निकला, और देखो यहाँ पे ट्राई किए तो पानी आ गया, पर काफ़ी अंदर तो खोदना पड़ता है, यही सब पानी भैया लोग यूज करते हैं क्योंकि गांव के अंदर ना तो कोई नल है ना तो कुछ भी है, बस ये नदी का पानी, अगर वहाँ पे लेने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा भाई, लगभग आधा किलोमीटर जाना आधा किलोमीटर आना है, तो यहाँ पे इन्होंने खोदा बालू और निकला पानी, तो नीचे ज़मीन में तो पानी रहता ही है जब ये नदी है, तो यही पानी बोलते हैं हम पीते भी हैं, कहते आप लोग नहीं पियोगे पर हम तो पीते हैं, हाँ हम लोग तो बिस्लेरी पीते हैं ना, ये लोग इसी को पीते हैं, इसी से सब कुछ करते हैं जो भी करना होता है। हम लोग भाई वहाँ से निकले थे डॉल्फिन देखने के लिए, पर कोई डॉल्फिन यहाँ पे दिख नहीं रही है, डॉल्फिन स्पॉट कहाँ गया? अच्छा उधर से, ओहो कहीं कहीं डॉल्फिन दिखाई नहीं भाई, खड़े थे क्या करें, बोल रहे थे डॉल्फिन दिखाएंगे तो दिखा तो है नहीं, खाना वाना खा के फिर से जाएगा, ओहो अच्छा 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 डॉल्फिन दिखाने से तभी पैसा मिलेगा,
अच्छा तो भैया लोग बता रहे हैं अभी लंच करने के बाद फिर से जाएंगे डॉल्फिन दिखाने। तो भाई हम वापस आ चुके हैं, हमारा कैंप देखो कैंप साइड ऊपर में है और यहीं पर रुकेगी बोट और यहीं पर हम उतरेंगे। चलो भाई अब वापस जाने का टाइम आ गया बोट से उतरने का। सीढ़ियाँ देखो कुछ ऐसी थी, लगा दो भाई लगा दो, गजब गजब रुक गया ना, आ जाए। चलो हो गया भाई, सैर हो गई नेशनल पार्क की। तो जो हमारे साथ में ग्रुप में थे उन लोगों को थोड़ा जल्दी जल्दी था, कई चीज़ें देखना था, इसलिए सही से नेशनल पार्क पूरा नहीं घूम पाए। आप आइए पूरा नेशनल पार्क अच्छे से घूमिए। और ये कैंप साइड है, आप देख सकते हो पूरा कैंप साइड है, इन्हीं के थ्रू हम गए थे। तो ये मतलब कि आपको पूरा पैकेज भी देते हैं, और वैसे भी आप नेशनल पार्क जाते पैकेज बोलते थे कि मतलब कि 2,500 से लेकर 3,500 रुपये तक पैकेज है। उसमें मतलब लंच भी मिलेगा आपको, नेशनल पार्क और डॉल्फिन जो भी सब चीज़ें देखना है वो पूरे दिन भर का ट्रिप रहता है। और अगर आप ऐसे जाओगे तो नेशनल पार्क का जो है 100 रुपये जो है चार्ज है वहाँ का, बाहर से आपको ऑफिस से लेना पड़ेगा, और 100 रुपये जो है इसका बोट का पड़ता है। बाकी आप वैसे जाओगे तो भाई वहाँ पे प्यास वगैरह लगेगा, या तो अपना कुछ सामान लेकर जाइए या फिर पूरा पैकेज ले लीजिए 2,500 से। आपको जितना अच्छा मतलब खाना वगैरह उसमें बढ़वाएंगे तो 3,500 रुपये तक पैकेज का है। और भैया का हम जो है नंबर मोबाइल नंबर दे देंगे, वहाँ से आप बुक कर सकते हैं, पूरा डिटेल्स हम नीचे में डाल देंगे।